नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड IQ पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बहुत जल्द जो है क्वेश्चन आंसर का एक सेशन शुरू करने वाला हूँ। जो भी सवाल आप मेरे वीडियो पर पूछते हैं, इन वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको जो है उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पूरा देखेंगे ताकि दूसरों के जो सवाल है उनके जो जवाब आपको मिलेंगे उससे आपको कुछ बेनिफिट हो। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल हमसे किया है HDTech एंड फोटोग्राफी ने। इनका कहना है, मेरे पास 10 ग्राम का कॉइन पड़ा है 999 वाला पैकिंग में, बिना पैकिंग खोले प्योर है कि नहीं या पूरा 10 ग्राम है कि नहीं, क्या ये पता लगा सकते हैं? तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब जिससे ये पता लगा सके कि 10 ग्राम पूरा है कि नहीं या प्योरिटी उसमें प्योरी है कि नहीं। लेकिन अगर आपने वो गोल्ड कॉइन अगर किसी ट्रस्टेड ज्वेलर्स से बाई किया होगा, जैसे बड़े बड़े ब्रांड है TBZ, तनिष्क या फिर कल्याण या फिर और भी जो आपके लोकल जो बड़े ब्रांड है उनसे अगर आपने बाई किया होगा, तो उसमें बिल्कुल 999 प्योरिटी होगी या फिर 995 प्योरिटी वाला होगा तो 995 प्योरिटी होगी और पूरा का पूरा 10 ग्राम होगा। तो अगर आपने ट्रस्टेड जगह से लिया होगा तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम लोगों से किया है रवीना परिहार जी ने। इनका कहना है, सर इससे अच्छा तो अमेज़ॉन से गोल्ड बिस्किट ले लो और EMI पर कन्वर्ट कर दो, फिर उसे मार्केट में बेचकर मस्त गोल्ड ले लो। मैंने ऐसा ही किया है। दरअसल ये सवाल दोस्तों इन्होंने जो है मेरे एक मैंने वीडियो बनाया था कि EMI पर हम लोग कैसे गोल्ड बाई कर सकते हैं, इस पे किया है। तो इनका कहना तो बराबर है कि हम लोग क्रेडिट कार्ड से अगर ऑनलाइन गोल्ड बाई करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से बाई करवा ले, उसके बाद में उसकी EMI करवा ले। लेकिन इसमें होता क्या है कि आप अगर अलग से EMI करवाते हो तो उस पर 17-18% जो है आपको इंटरेस्ट रेट जो है पे करना होता है। तो ये सही ऑप्शन नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इनका कहना है, नमस्ते सर, आप ये बताइए कि जो कोई विदाउट हॉलमार्क की पुरानी ज्वेलरी होती है क्या वो बेचेंगे तो 18 कैरेट के भाव में जाएगी? तो सिद्धार्थ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आपकी जो पुरानी गोल्ड की ज्वेलरी है इसको आप सिंपल एक चीज़ है कि कहीं पे अगर कैरेट मीटर आपकी सिटी में लगा हुआ हो या शहर में लगा हुआ हो तो वहाँ पे जाइए और उसकी प्योरिटी क्या है ये आप पता कर लीजिए। बहुत सारे ज्वेलर्स जो है फ्री में प्योरिटी आपको जो है बताते हैं। दूसरी चीज़ ये कि उसकी जो प्योरिटी है, जैसे मान के चलिए आज का 50,000 रुपये का रेट है, तो सिंपल है, 50,000 रुपये पर 10 ग्राम का रेट है, मतलब पर ग्राम का 5,000 रुपीज़ रेट है। 5,000 इंटू जितने ग्राम की आपकी ज्वेलरी है और इंटू जितनी उसकी प्योरिटी है, ये आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो पुरानी ज्वेलरी है वो कितने रुपए में जाएगी। अगला सवाल जो है हम लोगों से किया है रंजन चौधरी जी ने। उनका कहना है, मैंने 45 ग्राम 916 हॉलमार्क के कड़े खरीदे थे पर अब 25 ग्राम सोने के भाव वो भी 15% काट के मिलते हैं, क्या ये सही है? अभी सोने के भाव 53,000 है तो मुझे कितना मिलना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने बोला कि 45 ग्राम 916 के कड़े हैं, तो 916 अगर हॉलमार्क होगा तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 45 ग्राम का 25 ग्राम कभी भी नहीं मिलने वाला, वो भी 15% काट के। सिंपल है, जो आज का भाव है, मान के चलिए आज 50,000 रुपये भाव है, 50,000 रुपये जो भाव है वो 10 ग्राम का है, 1 ग्राम का जो भाव होता है वो 5,000 रुपये होता है 24 कैरेट का, इंटू आपके 45 ग्राम के जो कड़े हैं इंटू 45 हो गया, इंटू हो गया अगर आपका 916 का है तो 91.67%। तो ये जो है आपके जो ओल्ड गोल्ड है उसकी कैलकुलेशन है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल हम लोगों से किया है आलोक सिन्हा जी ने। इनका कहना है, सोना सोनार का किसी भी ऑर्नामेंट को आज खरीदो कल बेचने जाओ, 100 रुपये का 65-70 से ज़्यादा रुपया नहीं मिलेगा, मतलब 30-35% सोनार का हो गया। इंसान खरीदता है लाचारी में या फिर शौक से सेविंग के उद्देश्य से, लेकिन लाचारी तो अलग बात है, लॉस हो जाता है वो अलग, खरीदना है। लेकिन जो दौलत बनाने के विचार से खरीदता है वह तो बिल्कुल मूर्खता है। सोने का बिस्किट पहनाइए, चार्ज नहीं लगेगा, यह शब्द सोनार का है, यही कहकर सोनार लोग ठगता आ रहा है। तभी इतना सोनार एक दुकान से शुरू करके 5 दुकान बना लेता है, कोई वैसा बिजनेस नहीं 35-50% ज़्यादा फायदा हो या नॉर्मली, यह तो एक प्रकार का डकैती है। सभी सोना खरीदने वाले ऐसे ठगों से सावधान रहने का है। और तो और, धनतेरस में यही लोग पैसा देकर विज्ञापन छपवाता है
कि धनतेरस पर जो सोना खरीदेगा उसके यहाँ को लक्ष्मी माता आती है, इस तरह के विज्ञापन प्रचार करके सोने की बिक्री को बढ़ाता है, आम पब्लिक को ठगने का काम करता है। देखिए मुझे आलोक जी थोड़े से ज़्यादा निराश लग रहे हैं सभी ज्वेलर्स के ऊपर, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि हाथ की पाँचों उंगलियाँ जैसे एक समान नहीं होती, वैसे सारे ज्वेलर्स एक समान नहीं होते। रही बात दूसरी कि 100 रुपीज़ का अगर गोल्ड लेंगे तो उसका 65 से 70 रुपीज़ ही आता है, तो ये एकदम गलत है। आप आज से 2 साल पहले की बात देख लीजिए, गोल्ड जो था 35,000 रुपये पर 10 ग्राम का था, और आज जो है 50,000 रुपीज़ है। अगर उसके ऊपर मान के चलो 250 रुपये पर ग्राम भी अगर मेकिंग लगी होगी तो 37,000 रुपीज़ पर ग्राम आपको जो है गोल्ड पड़ता था, और आज की डेट में वही गोल्ड आपका 50,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम है, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें तो मतलब आप खुद ही मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना काट छाट नहीं होता है। दूसरा जो इन्होंने कहा है कि कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें 35 से 50% तक की मार्जिन हो, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आज की डेट में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो 50% तक की मार्जिन हो जिसमें। और रही बात ज्वेलर्स की, तो ज्वेलर्स कोई भी कितना भी बड़ा ज्वेलर्स है, मुझे नहीं लगता, मेरा पर्सनली इतने साल का अनुभव है कि उसको 5%, 3%, 4% से ज़्यादा की मार्जिन होती होगी ज्वेलरी में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम लोगों से किया है उमेश उबाड़े जी ने। इनका कहना है गूगल पे सर्च करो तो गोल्ड रेट कुछ और बताया जाता है, लेकिन सुनार के पास खरीदने जाते हैं तो सुनार दाम कुछ और ही बताते हैं। जैसे कि कल का नेट पे रेट था 22 कैरेट का 49,220 और सोनार ने 51,010 ग्राम का रेट बताया मेकिंग चार्ज छोड़कर, तो प्लीज़ सभी भाई जानना पसंद करेंगे कि इतना फ़र्क क्यों और कैसे। मैंने कम से कम 3 सोनार से पूछा है, लगभग हर जगह थोड़ा बहुत फ़र्क था लेकिन रेट एक जैसे ही थे, तो पूरा सही बताए कि ऐसा क्यों है, कमेंट ज़रूर करें, प्रतीक्षा रहेगी। तो उमेश जी कमेंट मैंने रिटर्न में नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं सारे कमेंट्स के जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जो आपका सवाल है मैंने इस वीडियो में ले लिया है। तो देखिए कभी भी क्या होता है कि जो नेट पे जनरली गोल्ड का रेट बताया जाता है वो होता है वायदा बाज़ार भाव का, यानी जिसको सौदा बोलते हैं। जैसे जिसकी ट्रेडिंग होती है, जिस भाव में गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, MCX करके एक साइट है, ट्रेडिंग होती है, तो उसमें होता ये है कि उसमें जो रेट रहता है वो सिर्फ वायदा बाज़ार का रहता है, हाजिर बाज़ार भाव का नहीं रहता है। वायदा बाज़ार क्या है और हाजिर बाज़ार क्या है, मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे रिगार्डिंग बना के रखा है, तो उम्मीद करता हूँ आप वो वीडियो ज़रूर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको एक्यूरेट गोल्ड के जो रेट है वो चाहिए, तो आपको एक काम करना चाहिए, ibzarate.com 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 पे रोज सुबह 12 बजे और शाम को 5 बजे जो है गोल्ड के जो है रेट रिलीज करता है, और यही सारे जो रेट है सारे ऑल ओवर इंडिया के जो सोनार हैं वो फॉलो करते हैं। लेकिन इन रेट्स में भी 1,000 से 500 रुपये का मतलब जो है फ़र्क आ सकता है। अगर आपको नेट पे और ये रेट सही चाहिए तो आपको मतलब 1,500 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपको एक्यूरेट जो है गोल्ड के प्राइजेस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आंसर पसंद आया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से किया है मधुकर गोलार जी ने। माय ज्वेलर गेव मी इन राइटिंग दैट रिंग इज मेड ऑफ 23 कैरेट, बट व्हेन आई चेक ऑन कंप्यूटर गोल्ड टेस्टिंग मशीन द रिजल्ट वॉज 18 कैरेट। यू मे शो स्मार्टनेस एंड अलर्टनेस टिल यू विल बी फूल्ड बाई देम 100%। व्हेन यू टॉक देम दे शो यू हाई कॉन्फिडेंस। दिस हैपन विथ मी एट द डेट 4/1/21। देखिए मधुकर जी, अगर आपको कोई भी ज्वेलर रिटर्न में दे या स्टैम्प पेपर पे लिख के दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम जागो ग्राहक जागो के बहुत सारे विज्ञापन भी चलाती रहती है, आप लोगों ने भी वो देखे होंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, आप कोई भी ज्वेलरी खरीदे उसमें जो है आपको हॉलमार्क हुआ मिला हो, मतलब हॉलमार्क होके मिली हुई होनी चाहिए। अगर उस पर हॉलमार्क है तो आपको रिटर्न में लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया है। 1991 में जो है हॉलमार्क जो है लॉन्च हुआ, और अभी तक जो है बहुत सारे लोग हॉलमार्क के बिना की ज्वेलरी ले लेते हैं, तो दूसरे के कॉन्फिडेंस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं। हम अगर जागरूक रहेंगे तो हमें कोई भी जो है फूल नहीं बना सकता। अगला सवाल हमसे पूछा है लावण्या वी गोवडा जी ने, माफ़ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो तो। व्हेन वी एक्सचेंज द ओल्ड गोल्ड शुड वी पे द GST फॉर न्यू गोल्ड।
जी हाँ, अभी तक पुराने जो गोल्ड है, पुराना जो गोल्ड हम लोग सेल करेंगे या एक्सचेंज करेंगे तो उसमें हमारा 3% GST माइनस करके नहीं होता अभी तक, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पुराना गोल्ड बेचने पे भी -3% GST लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, ऐसा कोई टर्म या फिर ऐसी कोई नॉर्म्स आई नहीं है। लेकिन जब आप नया गोल्ड पाई करते हैं पुराना गोल्ड एक्सचेंज करके, तो नए गोल्ड पे जो है आपको 3% GST जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। अगला सवाल हम लोगों से पूछा है अनुराधा पवार जी ने, इनका कहना है कोरोना वायरस जाने के बाद सोने के दाम कम होंगे क्या? देखिए, जब से अपना देश आज़ाद हुआ 1947 से, तब से लेकर अब तक का आप हिस्ट्री देख लीजिए, एक बार भी गोल्ड के जो रेट है वो कम नहीं हुए। इन द सेंस हुए भी है तो 500-1000 रुपये का फ़र्क पड़ा है, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ा है। जैसे कि गोल्ड के रेट बढ़ते हैं, जैसे 37,000 पिछले साल गोल्ड के रेट थे और डायरेक्ट 50,000 तक पहुँच गए, लेकिन अभी 50,000 के 37,000 आने के कोई चांसेस नहीं है। अगला सवाल हम लोगों से पूछा है इंद्र कुमार PC4 जी ने, ये कहते हैं जो विलेज में गोल्डस्मिथ आते हैं वो तो GST प्लस मेकिंग चार्ज नहीं ऐड करते, ऐसा क्यों? केवल गोल्ड प्राइस ही ले लेते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जो पहले होता था ना कि आपका एक सुनार फिक्स होता था पूरे गांव में, एक ही व्यक्ति के पास में लोग जाते थे, अगर आपको 10 ग्राम सोना बनवाना है तो आप उनको 10 ग्राम का पैसा देते थे और वो 10 ग्राम आपको गोल्ड बना के देता था। लेकिन उसमें होता क्या था कि आपसे पूरा पैसा जो है 24 कैरेट का लिया जाता था और उस जगह पे आपको 22 कैरेट या 20 कैरेट की ज्वेलरी जो है बना के दे दी जाती थी। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया, अभी आप एक छोटे से छोटे गांव में भी जाओगे तो वहां पे भी आपको ज्वेलर्स की दुकान मिलेगी, और सिटी में जाओगे तो कंपटीशन इतना भारी है कि पूछिए मत। तो उस हिसाब से आपको जो है अभी गोल्ड पे हॉलमार्क देख के लेना चाहिए, जितने कैरेट का आप गोल्ड ले रहे हैं उतने कैरेट का प्राइस आपको पे करना चाहिए, और जो भी मेकिंग चार्जेस पर ग्राम उन लोग एप्लीकेबल करते हैं उतने मेकिंग चार्जेस और GST पे करके आपको गोल्ड बाई करना चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा सेफ वे रहेगा। अगला सवाल किया है रंजीत प्रताप यादव जी ने, इनका कहना है कुछ भी नहीं जानते तुम, हम भी शॉप चलाते हैं। तो मैं आप लोग को एक कोट इसके बारे में बताना चाहूँगा, जो कि ग्रांट कार्डन करके बहुत बड़े वैचारिक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि इफ़ नोबडी हेट व्हाट यू आर डूइंग देन नोबडी नो व्हाट यू आर डूइंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपसे कोई नफरत नहीं करता तो वो कोई समझ भी नहीं पाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। वैसे मैं अगले 23 वीडियो इस चैनल पे डालने वाला हूँ, जिसमें मैं गोल्ड से जुड़ी हर जानकारी जो है अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के जो सारे जो सवाल है उनके जवाब या फिर आपके जो कमेंट है उनके जवाब मिले होंगे। अगर आपको और भी मतलब कोई सवाल आपके मन में है तो नीचे वीडियोस पे आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।